ओके तो भाई फाइनली चैट क्वेल वर्सेस सैमी जेन का मैच खत्म हो चुका है। भाई चैट क्वेल फिर से हार चुके हैं। एक्जेक्टली क्या रीजन रहा चैट क्वेल का हारने के पीछे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे उससे पहले भाई वुमेन्स डिवीजन के अंदर हमें जो ट्रिपल थर्ड मैच देखने को मिला था उस मैच का मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूं। एक्चुअली भाई ये सब फालतू मैच को कभी कवर नहीं करता वीडियो के अंदर, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई हमें न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन हमें मिल चुकी है। होता क्या भाई एनएक्सटी की जो रेसलर आई थी उससे भाई सेना वेजलर इस मैच के अंदर पिन हो जाती है। हाँ मैं आपको नाम इनका पढ़कर बता देता हूँ। भाई इनका नाम है अलवा फायर और इसला डवान। भाई क्या नाम है मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर बात है कि भाई मुझे ऐसा अजीब वाला नाम फिर से मुझे याद करना पड़ेगा। वैसे भाई जेट कारगिल और बियांका बेलेयर अपने एपिसोड को आखिर इतना जल्दी हार क्यों गए इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए भाई सैमी जेन और चैट क्वेल के मैच के बारे में आपको बताता हूँ इस मैच के अंदर हमें क्या देखने को मिला। एक्चुअली भाई जैसे मैच स्टार्ट होता है दोनों रेसलर की तरफ से हमें कमाल का रेसलिंग हमें देखने को मिला। मैं आपको बता दूं भाई यहाँ पर बस अकीरा टोजावा रिंग साइड के ऊपर नहीं मैच को देखने आए थे, बाकी भाई यहाँ पर ओटिस और मैक्स एंड डोपलिन दोनों आए थे। वैसे मैच का बात करें तो भाई जैसे मैच स्टार्ट होता है हमें चैट क्वेल देखने को मिलते कुछ ही टाइम बाद जो क्या कर समझाते हैं ओटिस को। समझा रहे होते कि मतलब तुम्हें अटैक करना है सैमी जेन के ऊपर जैसे मौका मिल जाए। सैमी जेन भाई फिर चैट क्वेल को बुलाते हैं, उसके बाद भाई सैमी जेन भी चले जाते हैं उनके पास। सैमी जेन अलग ही अपना मंत्र फूंक रहे हैं कि ओटिस तुम कब तक गुलामी करोगे इस गधे का। फिर उसको देख रहे हैं कि वापस चैट क्वेल जा रहे हैं, फिर से ओटिस को गाली दे रहे हैं कि तुम उसका बात बिल्कुल मत सुनो। तो ये काफी फनी चीज देखने को मिला था, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था भाई ओटिस के अराउंड पूरा स्टोरी लाइन घूमने वाला है। वैसे इन दोनों रेसलर के बीच में भाई उसके बाद रेसलिंग कंटिन्यू होता है, काफी लंबे टाइम तक रेसलिंग चलता है। इस मैच के अंदर भाई चैट क्वेल काफी अच्छा डोमिनेट कर रहे थे पर सैमी जेन भी डोमिनेट कर रहे हैं। इस मैच का एंडिंग बताओ तो भाई होता क्या, चैट क्वेल भाई जाकर अच्छे से समझाते हैं ओटिस को तुम्हें अटैक करना सैमी जेन को, मुझे चैंपियन बनना है। उसके बाद फिर से इन दोनों रेसलर के बीच में हमें कमाल का रेसलिंग देखने को मिलता है, जहां भाई चैट क्वेल की तरफ से हमें जर्मन सुप्लेस मल्टीपल ऑफ देखने को मिलता है। यहां पर चैट क्वेल पिन कर रहे हैं सैमी जेन को, पर भाई सैमी जेन किक आउट कर दे रहे हैं। सैमी जेन पिन कर रहे हैं चैट क्वेल को, पर भाई यहां पर चैट क्वेल किक आउट कर दे रहे हैं। दोनों रेसलर में से भाई कोई भी रेसलर यहां पर मतलब हारने के लिए तैयार नहीं था, पर चैट क्वेल को समझ में आ चुका था अब मैं नहीं हरा सकता इसको। कभी हमें सैमी जेन का सबमिशन मूव यहां पर देखने को मिल रहा है, कभी हमें भाई यहां पर चैट क्वेल का सबमिशन मूव देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग दोनों रेसलर का बात करें तो भाई दोनों ही रेसलर इक्वल परफॉर्मेंस पूरे मैच के अंदर दे रहे हैं। वैसे भाई चैट क्वेल को यहां पर यह बात समझ में आ चुका था मैं ऐसे सैमी जेन को हरा नहीं सकता कभी। चैट क्वेल क्या करते हैं मैक्सिम डुप्रिन को इशारा करते कि चैंपियंस वेल्ट जो है उसको उठाकर मार सैमी जेन को। और यहां पर चैट क्वेल भाई रेफरी से बहस कर रहे थे ताकि रेफरी मतलब उस साइड देखे ही। यहां पर भाई मैक्सिम डुप्रिन के पास अच्छा मौका था पर भाई मैक्सिम डुप्रिन उनको मार ही नहीं पाते। चैट क्वेल को भाई यहां पर दिमाग सटक जाता है कि मतलब इन लोग किसी काम का नहीं है। चैट क्वेल भाई नीचे आते नीचे आकर भाई मैक्सिम डुप्रिन को डांटना शुरू कर देते हैं, रिंग साइड के ऊपर भी जाकर डांटना शुरू कर देते हैं। इस मैच में ट्विस्ट हमें तब देखने को मिलता है जब भाई सैमी जेन जंप कर जाते हैं ओटिस को। भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई अब सैमी जेन ओटिस के ऊपर जंप करेंगे मतलब भाई ओटिस अब अटैक करेंगे सैमी जेन को, पर भाई यहां पर चैट क्वेल से भाई एक छोटा सा गलती हो जाता है। चैट क्वेल भाई कंटिन्यूस डांट रहे थे मैक्सिम डुप्रिन को, ओटिस आ जाते हैं बीच में मतलब भाई ऐसे मत करी। तो यहां पर भाई जो भी मामला था यहां पर ओवरऑल भाई मामला सुलझ जा रहा है। भाई चैट क्वेल और सैमी जेन अब रिंग साइड के अंदर नहीं फाइट कर रहे थे, रिंग साइड के बाहर फाइट कर रहे हैं। सडनली होता क्या भाई चैट क्वेल अनबैलेंस होकर भाई मैक्सिम डुप्रिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। आप लोग इस फोटो को देखोगे तो भाई समझ में आएगा चैट क्वेल का भाई हाथ से मैक्सिम डुप्रिन के ऊपर लग जाता है। उसके बाद भाई मैक्सिम डुप्रिन वही रोना शुरू कर देते अपना वही समझ रहे हो तुम लोग। पर भाई ओटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि मेरी माल को तू कैसे छेड़ सकता है, मेरी माल को तू कैसे इंजर्ड कर सकता है। चैट क्वेल यहां पर समझाने की कोशिश करें कि भाई मेरा मैच है, मुझे चैंपियंस बेल्ट यहां पर विन करना है। भाई यहां पर ओटिस कहते हैं तू भाड़ में जा, मैं अपनी माल को लेकर यहां से मैं जा रहा हूं। लिटरली भाई ओटिस भाई मैक्सिम डुप्रिन को उठाते हैं, भाई चुम्मा लेते वहां से निकल जाते हैं। चैट क्वेल भाई सामने देखते रहते हैं, चैट क्वेल कुछ भी यहां पर कर नहीं पा रहे। फिर हमें लास्ट में देखने को क्या मिलता है, एक कमाल का हमें हलवा की सैमी जेन की तरफ से देखने को मिलता है। फिर क्या था भाई 1-2-3 भाई सैमी जेन इस मैच के अंदर स्टील चैंपियन बने रहे। मैं आपको पहले बता दिया था कि भाई डब्ल्यू वाले समर स्लैम के राउंड इनका फाइनल मैच करवाने वाले हैं शायद से। वैसे भाई अगर हम लोग चैट क्वेल का बात करें तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा वाला नजर से भाई यहाँ पर ओटिस को देख रहे होते हैं। ओटिस भी यहाँ पर चैट क्वेल को देख रहे होते हैं पर भाई ओटिस मतलब कुछ कहते नहीं है। वैसे भाई मेन इवेंट मैच अभी जस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ मैं सारा वीडियो डाल रहा हूँ तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।